सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फोटो एडिटिंग किंग भावेश। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ विजय मेहर की ट्रैप्ड इन ड्रीम फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। कुछ इस टाइप की वो फोटो एडिटिंग है। इस फोटो एडिटिंग में मैंने कुछ बैकग्राउंड और पीएनजीज का भी यूज़ किया है। उन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी इस टाइप का एक पोज देकर अपनी फोटो क्लिक करनी है। इस टाइप का पोज देने के लिए आपको किसी भी जगह पर जो है खड़ा होकर पीछे की साइड झुककर अपनी एक फोटो क्लिक कर लेनी है। देन फिर आपको इसे ओपन करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ओपन करने के बाद हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको क्वेडिट वाले टूल पर जाना होगा। जैसे आप क्वेडिट वाले टूल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको आउटलाइन को सिलेक्ट करके अपने मॉडल के ऊपर जो है रफ आउटलाइन क्रिएट करनी है। इससे हमारी फोटो का जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाने के बाद हमें इसे सिंपली सेव कर लेना है। ओके गाइस, सेव करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आकर आपको इसमें हमें एक बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। इस बैकग्राउंड की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो गाइस। सो ये रहा वो बैकग्राउंड। इसमें हमें अपने मॉडल को ऐड करना है जिसका हमने अभी बैकग्राउंड रिमूव किया, तो उसे ऐड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे ऐड फोटो में। यहाँ से अपने मॉडल का जो पीएनजी है इसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, ऐड करने के बाद इसे हमें थोड़ा सा फ्लिप करना है थीम के अकॉर्डिंग। ओके, तो फ्लिप में जाएंगे, यहाँ से जो सबसे सेकंड नंबर का है नीचे से उसे हम फ्लिप के ऊपर यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो उसे यूज़ करने के बाद अपने मॉडल को जो कुछ इस टाइप से आपको रोटेट कर लेना है। ये स्टेप आपको करना है। ओके, कुछ इसी टाइप से आपको अपने मॉडल को जो है वर्टिकली रोटेट कर लेना है। ओके, रोटेट करने के बाद यहाँ पर सेंटर में एक सर्कल है, उसी सर्कल के बीच में जो अपने मॉडल को आपको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद इसे हमें थोड़ा सा अंडर वाटर इफेक्ट देना होगा अपने मॉडल को, तो उसके लिए हम जाएंगे एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो अपने मॉडल का टेम्परेचर है उसे पूरा माइनस की साइड कर देना है। ओके, माइनस की साइड करने के बाद इसके ऊपर जो अंडर वाटर इफेक्ट है वो आ चुका है, बट थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे और इसका यू जो है हम थोड़ा सा माइनस की साइड रखेंगे। ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा ही माइनस की साइड रखना है, और थोड़ा थोड़ा बस इतना काफ़ी है। इसे बिल्कुल आपको मीडियम साइज़ में रखना है, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी नहीं तो फोटो। ओके, बिल्कुल 1-2% माइनस, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, फिर ये हो जाने के बाद आपको इसे फिर डन कर देना है। डन करने के बाद इसमें हमें एक फ्लावर का जो बुके है ना उसका पीएनजी भी लगाना है, तो उसके लिए भी हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम एक बुके का जो पीएनजी इसे ले लेंगे। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसे भी हमें हमारे मॉडल के जो हैंड में है उसे यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, अपने मॉडल के हैंड्स के ऊपर इसे लगा देंगे। लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इरेजर पर जाकर इरेज कर लेना है। सिंपली इरेजर के हार्डनेस को जो फुल कर देना है, और फिंगर्स के ऊपर जो कुछ जो पार्ट है ना उसे आपको इरेज कर लेना है। इससे ऐसा लगेगा मॉडल ने जो ये बुक है अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ है। ओके, ये हो जाने के बाद इसे भी हमें सेम वही अंडर वाटर इफेक्ट इसके ऊपर भी लगाना है, तो उसके लिए भी हम एडजस्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद इसका जो टेम्परेचर है उसे पूरा माइनस की साइड कर देंगे, साथ ही में इसका जो सैचुरेशन है उसे भी आपको माइनस की साइड करना होगा। इसे मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप से जो है ब्लू टोन क्रिएट किया, आप किसी और टाइप से भी कर सकते हो, बस ब्लू टोन आनी चाहिए फोटो में। ओके, सो इतना मुझे काफ़ी लग रहा है, ये बिल्कुल ब्लू ब्लू टोन लग रही है फोटो में अच्छी अंडर वाटर। सो अभी हम इसे डन कर देंगे। ओके गाइस, डन करने के बाद ये जो पिक्सआर्ट का जो कुछ भी काम था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई भी पीएनजी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो वाटर पेपर का पीएनजी लगा कर रखा है। आप देख सकते हो वाइट जो है वो वाटर पेपर है, तो इसके ऊपर आपको कोई भी वाटर पेपर का पीएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक रियलिस्टिक लुक आ रहा है फोटो में। सो गाइस, हमारे पिक्सआर्ट का काम था वो ख़त्म हो चुका है, अब हम इसे सिंपली सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको इसे ओपन करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस, मैं आ चुका हूं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हम जाएंगे लाइट्स वाले टैब पर और इसकी लाइट्स को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ सो यहाँ पर आने के बाद आपको इसका एक्सपोजर है थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है अराउंड 0.15%। साथ ही में हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, और शेडोज को जो है आपको माइनस की साइड लेकर देना है अराउंड -10-12%। ओके, उसके बाद आपको ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस की साइड रखना है अराउंड 10-20%। फिर जाना है कलर वाले टैब पर। कलर वाले टैब पर आने के बाद आपको कलर मिक्सर पर जाना है। यहाँ पर ऑरेंज कलर की सैचुरेशन इंक्रीज करनी है, साथ ही में थोड़ी सी ल्यूमिनस को भी इंक्रीज करना है। ओके गाइस, इसके बाद जो आपको पिंक कलर के ऊपर जाना है। पिंक कलर का जो यू है आपको थोड़ा सा रेड कलर की साइड लेकर जाना है, क्योंकि हमारे जो बुके है ना वो बहुत ज़्यादा पिंक हो चुका है, तो उसे हम थोड़ा सा रेड साइड की ओर लेकर जाएंगे। ओके, ये हो जाने के बाद आपको फिर इसे डन कर देना। डन करने के बाद इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो, इससे काफ़ी अच्छी टोन आ रही है फोटो में।
तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दीजिए अराउंड 10% से ज़्यादा मत कीजिए, ओके। देन इसके बाद टेंट को थोड़ा सा माइनस की साइड रखिए और वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए, इससे जो कलर्स जो वापस आ जाएंगे, ओके। ये हो जाने के बाद आपको जाना इसके बाद इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आने के बाद आपको बस टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और विगनेट को थोड़ा सा माइनस की साइड, और किसी सेटिंग को जो है छेड़ना नहीं है। इसके बाद जाना है शार्पनेस में और थोड़ी सी शार्पनेस को जो है इंक्रीज़ कर देना है, ओके। इंक्रीज़ करने के बाद हमारी फ़ोटो जो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है फोटो में। सो गाइस इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।